दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, बुमराह, कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जसप्रीत बुमराह ने अपने चमत्कार से बांग्लादेश की टीम को 233 रन पर रोका। मात्र 30 मिनट के अंदर बुमराह ने चटकाए बांग्लादेश के 7 विकेट और फिर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से पलटा पूरा मैच। तो विराट कोहली, KL राहुल ने भी निभाया साथ। ऐसी बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश की टीम हो गई हैरान। तो दोस्तों आखिरकार बुमराह की गेंदबाजी और यशस्वी जायसवाल राहुल की बल्लेबाजी देखे बिना तो आप भी कहीं मत जाइएगा, जो कि हम भारत बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की हाईलाइट वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, KL राहुल और रोहित शर्मा, कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का मुकाबला खेला जा चुका है और दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय टीम ने यहाँ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जहाँ पहले दिन बांग्लादेश की टीम ने अपने 3 विकेट गंवाकर 107 रन बनाए थे और बारिश ने दखलंदाजी कर दी थी, जिसके चलते मुकाबला आगे बढ़ाया नहीं जा सका था। और फिर दूसरे दिन भी बारिश रही और तीसरे दिन भी बारिश के चलते मैच धुल गया। लेकिन आज चौथे दिन का मौसम बिल्कुल खिलखिलाता हुआ नजर आया और इस दौरान भारतीय टीम ने एक बार फिर से अपना दबदबा बांग्लादेश की टीम के ऊपर बनाना शुरू किया। इस दौरान मोमिनुल हक ने 40 रन से आगे खेलना शुरू किया तो मुशफिकुर रहीम ने 9 रन से आगे पारी को शुरू किया। अब दोस्तों बांग्लादेश की टीम को रोकना था तो जसप्रीत बुमराह कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने 41वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर मुशफिकुर रहीम को अपने में फंसा लिया और वो ऑफ स्टंप लाइन की गेंद को छोड़ने के लिए गए और गेंद विकेट से टकरा गई, जिसके चलते यहाँ पहला बड़ा झटका आज चौथे दिन बांग्लादेश की टीम को लगा और 112 रन के कुल स्कोर पर 4 बड़े विकेट बांग्लादेश के गिरे। अब पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे लिटन दास, जहाँ मोमिनुल हक और लिटन दास पर अब पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर तब्दील करने का। लेकिन दोस्तों यहाँ लिटन दास मोमिनुल हक का ज्यादा देर तक साथ निभा नहीं पाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच बस मात्र इस दौरान 36 रन की साझेदारी हुई और ये साझेदारी तोड़ने का काम भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने किया, जहां रोहित शर्मा ने मिड ऑफ पर उछलकर ये शानदार कैच लेकर बांग्लादेश की टीम को 5वां झटका दिया और लिटन दास 13 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों लिटन दास के आउट होने के बाद पूरी बांग्लादेश की पारी कोलैप्स होती हुई इस दौरान नजर आई। यहां शाकिब अल हसन रविचंद्रन अश्विन का शिकार बने और 9 रन बनाकर वो अपना विकेट खो बैठे, तो वही मेदी हसन मिराज ने 20 रन की पारी खेली और जसप्रीत बुमराह ने उनको सुमन गिल के हाथों कैच आउट करवाया। तो तैजुल इस्लाम ने 5 रन बनाए, हसन महमूद 1 रन बनाकर LBW बोल्ड आउट हुए, तो खालिद अहमद को रविंद्र जडेजा ने 0 रन पर डगआउट की तरफ भेज दिया। बस एक बल्लेबाज बांग्लादेश का ऐसा रहा जो कि नाबाद थे और वो थे मोमिनुल हक, जिन्होंने अपना शतक पूरा करते हुए 107 रन की पारी खेली और उनका विकेट बस नहीं गिरा और बाकी उनके सामने 7 बल्लेबाज आउट होकर डगआउट की ओर लौट गए। और दोस्तों इसी के साथ बांग्लादेश की टीम ने अपने 10 विकेट 233 रन के कुल स्कोर पर ही गवा दिए थे। अब यहां से बांग्लादेश की टीम तो पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आई और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे तो 2-2 विकेट मोहम्मद सिराज, अश्विन और आकाश दीप को मिले और दोस्तों 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिले। कानपुर टेस्ट के बारिश में धुलने से WTC फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी टीम इंडिया। कानपुर टेस्ट हुआ रद्द तो फिर भारत के पास WTC फाइनल में पहुंचने का ये होगा आखिरी रास्ता। इधर टीम इंडिया का जीत प्रतिशत हुआ कम तो ये टीम पहुंच जाएगी WTC में टॉप पर। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल की। चेन्नई में जीत दर्ज करने के बाद कानपुर में टीम इंडिया का इरादा बांग्लादेश को हराकर क्लीन स्वीप करने का था। अब तक इस टेस्ट मैच में बारिश की वजह से 2 दिन में सिर्फ 35 ओवर का ही खेल हो पाया है। दूसरे दिन 1 ओवर का खेल भी नहीं हो सका। तीसरे दिन भी खेल के दौरान 50% बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मैच रद्द होने पर भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में कितना नुकसान होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जा रहा है। मुकाबले के 2 दिन हो चुके हैं जिसमें सिर्फ 1 ही दिन का खेल हुआ है।
टेस्ट का दूसरा दिन बारिश की भेंट चढ़ा और बिना कोई गेंद फेंके ही रद्द हो गया। 27 सितंबर से शुरू हुए मुकाबले में पहले दिन से बारिश देखने को मिली थी। भारतीय टीम चेन्नई में खेला गया सीरीज का पहला मुकाबला जीत चुकी है। वहीं कानपुर में खेला जा रहा मैच बारिश की भेंट चढ़ता दिख रहा है। अगर मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा और रद्द हो गया तो क्या इससे टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। टीम इंडिया ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के साइकिल में कुल 10 टेस्ट खेल लिए हैं, जिसमें 7 में जीत हासिल करके टीम के पास 71.67 जीत प्रतिशत मौजूद है। बांग्लादेश के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेगी। फिर टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। अगली सीरीज को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच में जीत टीम इंडिया के लिए किसी बोनस से कम नहीं रहेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सीरीज का नतीजा कुछ भी हो सकता है। कानपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा टेस्ट अगर बारिश के कारण रद्द होता है तो टीम इंडिया को 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। मुकाबला रद्द होने के साथ टीम इंडिया का जीत प्रतिशत भी घट जाएगा। हालांकि इसके बाद भी टीम इंडिया के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के पूरे चांस रहेंगे। अब तक भारत ने WTC 2023-25 के इस चक्र में कुल 10 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें 7 में जीत हासिल की और 1 में हार मिली है। भारतीय टीम के 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। टीम इंडिया के पास 86 अंक और जीत का प्रतिशत 71.67 पॉइंट्स है। बांग्लादेश की बात करें तो उसके जीत का प्रतिशत 39.2 है और वो टेबल में 6ठे स्थान पर है। बांग्लादेश की टीम ने 7 मैच खेलकर 3 जीते हैं। इस वक्त भारत अंक तालिका में टॉप पर है और कानपुर टेस्ट बारिश की भेंट चढ़ जाने पर उसे 4 अंक मिलेंगे और 11 टेस्ट के बाद उसके जीत प्रतिशत 68.18 हो जाएगा। इस मैच के रद्द होने से भारत को नुकसान होगा। वो दूसरे स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया के जीत प्रतिशत 62.50 के आसपास आ जाएगा। इधर टीम इंडिया का जीत प्रतिशत कम हुआ तो बाकी टीमों के पास अभी भी अच्छा जीत प्रतिशत हासिल करने का मौका होगा। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका अपने अपने सभी मुकाबले जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस को और चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, चैंपियन विश्व चैंपियन की तरह खेलते हुए टीम इंडिया ने पहले पैच में न केवल बांग्लादेश का घमंड तोड़ा बल्कि टेस्ट सीरीज भी अपने नाम कर ली। तो अपनी शर्मनाक हार के बाद तो बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संत बौखला गए हैं और फिर गिल पंत से लेकर टीम इंडिया पर चौंकाने वाला बयान दिया। तो क्या पूरी खबर, ये तो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, बांग्लादेश का भारत दौरा शुरू होने से पहले बांग्लादेश की टीम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि वो भारत को भारत में हराएंगे, लेकिन जैसे ही उनकी सच्चाई से सामना हुआ, टीम इंडिया के खूंखार शेर उनके सामने मैदान में उतरे, तो उनकी दहाड़ के आगे बांग्लादेशी खिलाड़ियों की तो पैंट गीली हो गई और उनके बड़े बड़े खिलाड़ी भारत के सामने 4 दिन भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। जी हां, चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले, तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। अब तो बच्चा भी जानता था बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ही हुआ। दोस्तों, बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। तो फिर चौथे दिन की सुबह भले ही बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने लड़ाई की, लेकिन भारत के सामने उनकी एक न चली। अश्विन जडेजा के साथ बुमराह ने मिलकर पूरी की पूरी बांग्लादेश को सुबह ही ऑल आउट कर डाला और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को रौंद कर इस पहले टेस्ट मैच में इतिहास लिख दिया। केवल यही नहीं, बांग्लादेश का मुंह काला कर उन्हें ऐसे बेइज्जत किया कि बांग्लादेश की टीम दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गई है। उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया, जिसके बाद तो जश्न मनाना बनता ही है। लेकिन अपनी करारी हार के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी और उनके कप्तान तो बुरी तरीके से बौखला गए हैं, यहाँ तक कि अब तो वो सारी खेल भावना भूल चुके हैं। और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने अब टीम इंडिया के खिलाफ बगावत छेड़ते हुए ऐसा विवादित बयान दे डाला है, सुनकर तो आप भी अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी हार के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जहाँ संतो की आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा था, तो वहीं अब चौंका देने वाला बयान देते हुए उन्होंने कह दिया कि ये कैसी टीम इंडिया है, क्या इनकी कोई भी कमजोरी नहीं है।
हमने पाकिस्तान को उनके घर में हराया था तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। हमने सोच लिया था कि हम भारत को भी हरा सकते हैं। पहले दिन हमने शानदार प्रदर्शन भी किया था, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी की, पहले अश्विन जडेजा ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया तो उसके बाद तो क्या ही बात करें। ऋषभ पंत और गिल ने तीसरी पारी में जिस तरीके से बैटिंग की है वो मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यदि हम वहां पर भारतीय टीम को जल्दी आउट कर देते तो हम ये मैच जीत सकते थे। रोहित और कोहली तो वैसे भी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, तो हमारे पास सुनहरा मौका था भारत को भारत में हराने का, लेकिन उनके युवा खिलाड़ियों के आगे हमारे सारे प्लान खिलाफ हो गए और उनका हर एक खिलाड़ी ऐसे खेला है जैसे वो अपने आप में चैंपियन है। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि क्या दुनिया में कोई भी टीम भारत को हराने के काबिल नहीं है, टीम इंडिया इतनी खतरनाक है। लेकिन इस हार के बाद हमारा मनोबल और भी ऊंचा हो गया। हम दूसरे टेस्ट मैच में जरूर वापसी करेंगे। टीम इंडिया को अभी से अपनी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, ऐसा लग रहा है कि हार के बाद भी उनका ओवर कॉन्फिडेंस जरा भी कम नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि कौन इस मैच में असली हीरो, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।